पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार सुनील जाखड़ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुनील जाखड़ को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। पार्टी कार्यालय में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद जाखड़ को सदस्यता की पर्ची दी, बीजेपी का पटका पहनाकर खुले हाथों से उनका स्वागत किया। बता दें कि जिस समय राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था, पार्टी बड़े मुद्दों के साथ साथ आंतरिक मजबूती को लेकर माथापच्ची कर रही थी, ठीक उसी वक्त पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय खत्म बोल दिया। तभी से सुनील जाखड़ के बारे में तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सुनील जाखड़ ने कहा कि हमारी तीन पीढ़ियां कांग्रेस में नहीं, हमने 1972 से पार्टी की सेवा की। 50 साल का जो साथ छूटा है उसके पीछे राष्ट्रीयता और देश एकता है। कुछ लोग बात करेंगे क्योंकि हुआ क्या, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है कि एक व्यक्ति ने बोल दिया और संबंध टूट गया। वो कहना कच्ची यारी है निशान, इस तरह नहीं टूटा करती। ये कोई शीशा नहीं है जो 50 साल का संबंध है। कहते हैं कोई शीशा नहीं है कि पहले हम इंसान हैं, हमने रिश्तों को निभाया है असूलों की तरह, पर जब असूल ही टूट जाएं, जब हम अपने सिद्धांत से हट जाएं, अपनी आइडियोलॉजी से हट जाएं, तो मैं समझता हूं दिस इज अ राइट टाइम टू हैव अ रीथिंक। उसको सारा सोचना पड़ता है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, आज किस तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो उसको लेके मैं समझता हूं कि यह निर्णय लिया गया, और क्यों निर्णय लिया गया, बीजेपी के पास मैं क्यों बीजेपी के आपके यहां आज मंच पे बैठा हूं। सब तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी सुनील को लेके, कयास लगाए जा रहे थे, क्यों बड़ा स्वाभाविक था जिस दिन से नड्डा साहब, आपने देखा कि मैंने गुड बाय बोला, मेरी तरफ से तो गुड बाय 11 तारीख को जिस दिन मैंने देख लिया कि आवाज के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो आवाज नहीं रोकी जा सकती। सुनील को आप पद से हटा सकते हो, किसी से दूर कर सकते हो, सुनील की आवाज गिरवी नहीं रखी जा सकती, आवाज राष्ट्रीयता के लिए उठेगी। इससे पहले सुनील जाखड़ को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब में राष्ट्रवाद की बात करने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है, हम चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति समान सोच रखने वाले बीजेपी से जुड़े। पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है, और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मजबूती प्रदान करें। पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट, मोर देन 550 किलोमीटर्स बॉर्डर इज अलोंग विद पाकिस्तान। देर आर इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग्स, देर आर इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म, there are issues where the endeavor from the Pakistan side is to make it a gateway for all activities which is going on, which may be which may be detrimental to India. तो ऐसे में राष्ट्रवादी ताकतों का मजबूत होना पंजाब में आज की आवश्यकता है, और आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन की आवाज बन करके आ रही है, और इसीलिए मैंने उस समय भी कहा था कि बहुत लोग कांग्रेस से और अकाली दल से भी, जो भी राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने के पीछे कई वजह रही। दरअसल सुनील जाखड़ ने पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ पार्टी आलाकमान ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। चर्चा है कि अपने खिलाफ नोटिस जारी होने के बाद सुनील जाखड़ अच्छे खासे नाराज थे। उन्होंने हालांकि उस नोटिस का जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता पार्टी को छोड़ देना ही मुनासिब समझा। इस दौरान कुछ नेताओं ने सुनील जाखड़ को पार्टी के लिए एसेट बताया, लेकिन जाखड़ ने हाथ का साथ छोड़ने में ही भलाई समझी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।